يتبدرن الناس و वेब संस्था के इस 22वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आयोजित समापन सत्र में उपस्थित मंच पर श्री डॉक्टर राज बेगम जी, डॉक्टर प्रोफेसर राम गोपाल जी, प्रोफेसर गुरदीप शर्मा जी, प्रोफेसर शशि तिवारी जी और डॉक्टर सुधीर लाल जी, डॉक्टर अर्पणा धीर जी और इसमें तो पंकज मिश्रा जी का भी नाम लिखित है, वो सामने बैठे हुए हैं और प्रोफेसर शशि तिवारी जी और प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी। शशि बोलते हुए मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि 22वां सम्मेलन और इसमें दो दो शशियाँ बैठी हुई हैं, तो दो और दो शशियाँ जो है वो इस मंच पर हैं। और कलाओं की बात है तो शशि जो है वो कला के बारे में ही जाने जाते हैं। तो ये जो सम्मेलन है और सम्मेलन में मेरे सामने सभी जो सुविज्ञ और विद्वान जो वैदिक परंपरा के हैं उपस्थित हैं, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। अपर्णा जी ने जो मुझे इस सत्र में, क्योंकि स्वागत के बाद मुझे यहाँ वक्ता के रूप में आमंत्रित किया और पहले तो गिरते पड़ते मैं मंच तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि कभी मीटिंग में होता हूँ, कभी सीटिंग में होता हूँ। मैंने बात हो रही थी भोजन की, तो मैंने कहा भोजन मैं शाम को ही करूँगा, क्योंकि मैं किसी मीटिंग से चल के आया था। तो पहले तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और दूसरी क्षमा ये है कि मुझे तो आमंत्रित कर दिया वक्ता के रूप में यहाँ पर अपर्णा जी ने, किंतु मैं 3 दिन तक क्या हुआ, क्या व्याख्यान हुआ, उसके बारे में तो मैंने कुछ पता ही नहीं किया। इसके लिए भी मुझे क्षमा करें कि मैं उस संदर्भ में तो कुछ प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि वो जो आपने यहाँ अपने व्याख्यान शोध लेख शोध प्रबंध पढ़े हैं वो मेरे लिए बहुत अमूल्य उनका स्थान है और मैं उससे वंचित रहा। और वेदों के संबंध में, क्योंकि हम भी सम्मेलन सत्र सम्मिलित भी होते रहते हैं, आयोजित भी करते रहते हैं, बहुत कुछ शोध रिसर्च अनुसंधान सब चल रहा है और विशेषकर ये जो वेब संस्था है इसके संबंध में बहुत काम करती, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के सम्मेलन आयोजित करके विद्वानों के अनुसंधान और शोध जो है वो समाज के समक्ष प्रकाशित करती है, लाती है। और ये मैडम प्रोफेसर शशि तिवारी जी का बड़ा योगदान है कि वो इसको भारत के कोने कोने में इस तरह के सम्मेलन आयोजित करती है, कभी यहाँ है तो कभी लखनऊ है तो कभी कानपुर है तो कभी संस्थाओं में अन्य अन्य संस्थाओं को जोड़ती रहती हैं, इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। कलाओं की बात आती है तो देखिए, जब सब कुछ सर्वम वेदात प्रसिद्धति है तो कला भी जो है वो सब वहीं से, और कला की बात है तो एक श्लोक यजुर्वेद का है और उसमें ईशोपनिषद में भी जो है वो उसका 11वां मंत्र करीब है, वो विद्याम चा वेदोद्वयम सह विद्या अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या मृत वश्नुते। तो विद्या और अविद्या के रूप में जो विभाजन वहाँ किया गया है और जो अविद्या की बात है, विद्वान उसका जब व्याख्यान करते हैं, जो चाहे वो कला है, चाहे वो विषय है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो ज्ञान के अन्य क्षेत्र हैं, वो सब अविद्या के ही विषय है। जिसको सामान्य भाषा में अविद्या अगर कहते हैं तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है, किंतु जो कभी अविद्या थी वो बाद में विद्या बनी, वो बाद में कला बनी, बाद में विज्ञान बना। अब कई विषय ऐसे हैं कि आज जैसे कई बार
कभी जो है वो गणित, अगर आज देखा जाए तो गणित जो है, गणित भी एक कला है। ड्राइविंग की बात करते हैं हम आज, जैसे ड्राइविंग है, चाहे वो पायलट की बात करते हैं, तो वो जो नहीं जानता है उसके लिए वो कला है, वो कला वो विषय है, फिर वो विषय वो विज्ञान है। तो ये सब अन्योन्याश्रित है। तो ये सब जब वेदांत प्रसिद्धि है, तो मैं जो यहाँ बोलूँगा वो सब पृष्ठ पेषण ही होगा, और जो विद्वानों ने यहाँ कहा होगा, जो विद्वान यहाँ पर अनुसंधान करके लाए होंगे, जो विद्वानों ने यहाँ पर अपना शोध अनुसंधान यहाँ प्रस्तुत किया होगा, उसके सामने मुझे अकिंचन के शब्द जो हैं वो कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे किसी अज्ञानी के द्वारा कुछ, जैसे कालिदास ने कहा उद्बाहु रिव वामना, तो वो वाली बात हो जाएगी। मैं बस इस सम्मेलन को अपना प्रणाम करने यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसमें जो समापन समारोह चल रहा है इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करने आया हूँ, और मैडम ने मेरे को एक गेस्ट के रूप में यहाँ बुला लिया, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि विद्वानों का सानिध्य मुझे मिल रहा है, और मंच पर जो उपस्थित अतिथि हैं उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और समक्ष प्रोफेसर गणेश दत्त शर्मा जी हैं और अन्य सभी विद्वान उपस्थित हैं, सभी का आशीर्वाद मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है। मुझे यहाँ आमंत्रित किया इसके लिए गुरुशा धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस सम्मेलन के सार संक्षेप, इस समापन समारोह में, इस सम्मेलन के सार रूप में जो मुझे यहाँ प्राप्त होगा उसको प्राप्त करने का मौका दिया। धन्यवाद। नमस्कार। सर, आपने कला को विज्ञान बताकर हमारा मार्गदर्शन किया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Now we would like to have few words from Professor Shashi Prabha Kumar madam, as she is the guest of honor today. मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्गण, परम श्रद्धेय प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, प्रोफेसर राज वेदम जी, प्रोफेसर शशि तिवारी जी, जीतराम भट्ट जी एवं अपर्णा जी, और सभागार में उपस्थित सभी विद्वद्गण, मैं आभारी हूँ वेव संस्था की और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से संयोजक डॉक्टर सुधीर लाल की, कि मैं वास्तव में अतिथि हूँ। अतिथि तो संस्कृत में वही है जिसकी कोई तिथि नहीं, तो मैं स्वतंत्र कर्ता, कि जब चाहे आ सकते थे जब चाहे जा सकते थे, क्योंकि कहीं मेरा नाम नहीं था। मैं अपनी इच्छा से कि समापन में अपनी आहुति पूर्णाहुति के अवसर पर मैं भी चलिए उसमें सम्मिलित हो पाऊँ, इस भाव से आई थी कुछ सुनने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ बैठा दिया गया। और जो विषय है वैदिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन आर्ट्स, जैसा अभी भट्ट जी ने कहा कि मैं पिछले 2 दिन या 2.5 दिन में जो व्याख्यान यहाँ पर हुए उन्हें सुन नहीं सकी, और चूंकि मेरे वक्तृत्व की मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं थी इसलिए मैंने इस पर कोई विशेष चिंतन नहीं किया, और भारतीय कलाओं से दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है। किंतु पहला जो पक्ष है इस विषय का, वैदिक पर्सपेक्टिव, वो अवश्य मेरे जीवन का एक प्रेरक अंग रहा है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपने उद्बाहु की बात की थी, तो मुझे यहाँ पर उत्प्रेरित होकर खड़े होकर कुछ कहना है। कला के विषय में मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां याद आती हैं, हो रहा है जो जहां सो हो रहा,
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है इसी को तो कला। तो यदि ये कला है और कला ये बताती है कि कहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि दो दृष्टिकोण चलते हैं साहित्य में, कला में, दर्शन में, एक आदर्शवादी और एक यथार्थवादी। तो मैथिली शरण गुप्त जो यहाँ कह रहे हैं कि कला एक आदर्शवाद का विचार प्रस्तुत करती है, तो वेद में हम जब देखते हैं उसमें दोनों ही दृष्टिकोण मिलते हैं। वेद में व्यावहारिक और पारमार्थिक, यथार्थवादी और अध्यात्मवादी, दोनों ही दृष्टिकोणों का संतुलन, समन्वय और एक अखंड दृष्टिकोण हमें मिलता है। आपने कहा सर्वज्ञानमयो हि सः, भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, वेदस्य सर्वविद्या निधानत्वं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वेद समस्त भारतीय ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प इत्यादि के मूल उत्स हैं। वेद से ही सब निकला है। जो हमारे 6 वेदांग हैं उनमें जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र से ही, और उससे भी पूर्व जो यजुर्वेद है, क्योंकि आपने कहा कला कर्म है, जो कोई क्रिया है वो कला ही है। तो यजुर्वेद जो कि यज्ञ क्रिया का संपादन करने के लिए हमें भरपूर सामग्री प्रदान करता है, ऋग्वेद ज्ञान का, यजुर्वेद कर्म का, सामवेद उपासना का और अथर्ववेद विज्ञान का विषय लेकर मनुष्यों को जो दिग्दर्शन करते हैं ईश्वरीय प्रेरणा से, ये जो अद्भुत दिव्य ज्ञान मानव जाति को प्राप्त हुआ है, उसमें जो विशेष विचार है वो, जैसा मैंने कहा कि वो संतुलन समन्वय का सूत्र है। आज का जीवन पूरी तरह से भौतिकतावाद की ओर उत्प्रेरित है, किंतु वेद, ईशावास्योपनिषद की चर्चा हुई, ईशावास्योपनिषद भौतिकता और अध्यात्म, विज्ञान और ज्ञान, इन दोनों के समन्वय का ही सूत्रपात करता है। पिंड और ब्रह्मांड, व्यष्टि और समष्टि, मूर्त और अमूर्त, जब तक इनमें संतुलन नहीं होगा, जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक किसी भी कला की साधना प्रारंभ नहीं हो सकती। कला के लिए जो वातावरण चाहिए, उसके लिए जो मनोवृत्ति चाहिए, उस मनोवृत्ति को विकसित करने के लिए, उसे उन्मुख करने के लिए वेद जो विचार भूमि का एक वातावरण प्रदान करते हैं, उसकी ओर हम प्रवृत्त हों। वैदिक अध्ययन के प्रति आज धीरे धीरे जो रुचि प्रसुप्त हो चली थी वो फिर से जागृत हो रही है। वेद विज्ञान के प्रति भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हम देखते हैं कि एक नई जागृति आई है। तो वेद के प्रति, वेद में सन्निहित जो एक ज्ञान विज्ञान है, उसके प्रति, विशेषकर जो ये आज का हमारा पर्यावरण का संकट है, जो लोग दिल्ली से बाहर से आए हैं वे अनुभव कर पा रहे होंगे कि आजकल दिल्ली में सबसे बड़ा संकट है, वायु ही शुद्ध नहीं है। तो जो ये पंच तत्व हैं हमारे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों के समन्वय की भी बात वहां पर है। जो हमारी यज्ञ प्रक्रिया है उसमें इन पंच तत्वों के वैज्ञानिक रूप से संगतिकरण की बात है, किंतु आज वायु शुद्धि के लिए इन वैदिक उपायों का प्रयोग और व्यवहार नगण्य होता जा रहा है। तरह तरह के उपाय हम अपना रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम उपायों की चिंता करते हैं और दूसरी तरफ वायु को प्रदूषित करने के लिए जो जो हो सकता है उसमें हम कहीं कमी नहीं करते। तो जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारे विचार हैं, जब तक वे आचार से समन्वित नहीं होंगे, आचार हीनम न पुनन्ति वेदाः, वेद भी पवित्र नहीं कर सकते जिसका आचार पवित्र नहीं है। आज प्रचार का युग है, संचार का युग है, किंतु वेद में विचार और आचार की बात है। जब तक विचार हमारे सात्विक नहीं होंगे, जब तक मानवता के हित चिंतन से वे प्रेरित नहीं होंगे, तब तक हमारा आचार शुद्ध नहीं होगा, और जब तक आचार शुद्ध नहीं होगा तब तक कितना भी प्रचार कीजिए वो प्रभावी प्रचार नहीं होगा। तो मैं अब, क्योंकि मैं व्याख्यान के लिए उपस्थित नहीं हूँ, केवल इसी संकेत पर, इसी सूत्र पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि वेद में जो मानव धर्म के प्रति वेद बार बार संदेश देते हैं, श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, समस्त मानव अमृत की संतान है, अमृत की संतान भी हैं
और मृत्यु बंधवो मनवः, मृत्यु के साथ बंधे हुए हैं, मृत्यु के बंधु हैं। कैसे मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाया जा सकता है, कैसे इस मानव देह में रहते हुए ही हम अमृतत्व की साधना कर सकते हैं, वो शायद सबसे बड़ी कला है, और वो कला है जीवन कला। उस कला का शिक्षण जिस प्रकार वेद में और वैदिक चिंतन में मिलता है, वो अनन्य साधारण है। विश्व के किसी साहित्य में अमृतत्व की साधना का ये चिंतन हमें प्राप्त नहीं होता है। अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी जन्म में इसी देह में रहते हुए मर्त्य होते हुए हम अमृतत्व की साधना करें, और वो कैसे करें, मनुर्भव मनुष्य बनो। ये वेद का मूल संदेश है कि मनुष्य के रूप में जन्म तो लिया है, मनुष्य की देह तो मिली है, किंतु मननशीलता जो मनुष्य का असाधारण धर्म है, जो उसका व्यवच्छेदक है, उस मननशीलता से हम विमुख होते जा रहे हैं। तो जो भी कर्म करें मनन पूर्वक करें, और जो भी विचार हो उस विचार को आचार में परिणत करें, केवल व्यष्टि के सुख की चिंता न करते हुए समष्टि के हित की चिंता करें। इन्हीं भावनाओं से उत्प्रेरित वैदिक जीवन दर्शन हम सबको ये शक्ति दे, ये जागृति दे, ये सन्मति दे कि हम भारतीय कलाओं के उत्कर्ष में अपना योगदान यथासंभव दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, विशेषकर डॉक्टर शशि तिवारी जी को धन्यवाद देती हूँ। 22 वर्ष की हो चली है ये संस्था वेव्स। आज तो वेब का जमाना है, वेब के युग में आप वेव्स को जीवित रखे हुए हैं। और 22 वर्ष का एक और भी सिग्निफिकेंस है भट्ट जी, मैं और डॉक्टर शशि तिवारी एक ही कॉलेज में, मैत्रेयी कॉलेज में 22 वर्ष तक सहकर्मी रह चुके हैं। तो आपके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन आप अभी तक जिस प्रकार सक्रियता पूर्वक, एक विशेष कला है आप में कि आप सबको जोड़कर चलती हैं। तो वेव्स के माध्यम से आपने बहुत सारी संस्थाओं को, व्यक्तियों को जोड़ा है, और वैदिक विचारधारा को केंद्र में रखकर तरह तरह के विषयों को लेकर आप संगोष्ठियां आयोजित करती हैं। गत वर्ष आपने भारतीय विद्या भवन में संगोष्ठी आयोजित की थी, वैदिक ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष। शायद ये आज का विषय उसी का विस्तार है, क्योंकि वे वैदिक ज्ञान के व्यावहारिक पक्षों में कलाएं भी आती हैं। तो कला की दृष्टि से मैं कुछ नहीं कह पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा विषय वैसे भी शुष्क तर्क रसिक न्याय शास्त्र मेरा विषय है, तो इसलिए कलाओं की तरफ से पूर्णतः मेरी अज्ञता है, मैं क्षमा चाहती हूँ। और पुनः पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Inviting Dr. Raj Vedam from Indian History Awareness and Research. He is coming from USA and he has given some subject also, topic also to me, but I am not able to mention it here. So please introduce yourself and your topic, and as you like you can do. Thank you.